इस लड़की के लिए अपनी माँ को छोड़ रहे हो? तुम क्या समझते हो तुम इस दुनिया में सरवाइव कर सकते हो? तुम्हें सब पका पकाया मिल गया है, इसलिए बड़ी शान आ गई है तुम। यह वजदान ने मेरी जिंदगी में आग लगा दी है। आपने देखा नहीं, कर ली ना उसने पारसा से शादी। अरे शादी हो गई तो क्या हुआ, तलाक भी तो हो सकती है। औलाद चाहे नेक हो चाहे ना फरमा, माँ अपनी औलाद का कभी बुरा नहीं चाह सकती। एक माँ ही है जो अपनी औलाद की हर खता माफ कर देती, लेकिन वजदान ने जो कुछ किया उसको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। यासीन कैसे यार? ठीक हूँ वजदान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दरगाह के बाहर? एक्चुअली मैंने शादी कर ली है। वजदान, ये है मेरा गरीब खाना। मामा पापा अब्रॉड में हैं और मैं एक हफ्ता डॉक्यूमेंट्री शूट पर हूँ, तब तक तुम लोग यहाँ आराम से रह सकते हो। ठीक है, ये लीजिए भाभी। शुक्रिया। यार वजदान, एक्चुअली मॉम डैड घर पे नहीं है, तो कुछ चीजें तुम खुद मैनेज कर लेना। कैसी बातें कर रहे हैं ऐसे? इट्स मोर देन इनफ। बेटा बिल भी मोर देन इनफ ही दूंगा। अच्छा यार, अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो ना, तो वहाँ डायरी पे मेंटेनेंस वाले का नंबर लिखा है, तो तुम मेरे रेफरेंस से वहाँ कॉल कर लो। मुझे तो एक घंटे में निकलना है, इसके बाद ये घर तुम्हारा। थैंक यू यार। अब ये टिपिकल डायलॉग मत मार और चिल कर। गुड मॉर्निंग ताई जी। तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे नाश्ता नहीं करना। आई नो ताई जी, पर आपने इतनी देर से खाना नहीं खाया ना, आप बीमार हो जाएंगी। जाओ यहाँ से, कह दिया ना नाश्ता नहीं करना। ताई जी एक दो नवाले खा ले। तुम यहाँ से चली जाओ, और याद रखो तुम मेरी पार्सा की जगह कभी नहीं ले सकती। पर ताई जी, अगर तुम यहाँ से नहीं गई ना, तो मेरे हाथों बहुत बुरा हो जाएगा। Just go away. चली जाओ यहां से, जाओ। पहले कॉल रिसीव नहीं कर रही थी, अब नंबर ही बन जा रहा है। हेलो।
हेलो वजदान, कैसे हो तुम? मैं ठीक। आई एम सॉरी वजदान, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम और पारसा शायद एक दूसरे के लिए ही बने थे। खैर छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि घर में सब कैसे? अब यहाँ सब ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। अब मेरा मतलब है तुम दोनों की। हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं, बस मम्मी और खाला का ख्याल है। अब वजदान तुम कहाँ हो? मतलब तुम्हारे पास तो रहने के लिए कोई जगह भी नहीं। जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। जब अपनों ने दरवाजे बंद कर दिए तो पैरों ने दरवाजे खोल दिए। वजदान प्लीज साफ साफ बताओ तुम कहाँ हो। जी मुझे इजाजत दे, खुदा हाफिज। कैसी है तबीयत आम? डॉक्टर ने कितने इत्मीनान से कह दिया सब कुछ ठीक है। एक माँ के दिल का वो क्या जाने। इतनी बातों को भूल जाइए और आगे बढ़ जाइए। आप ऐसा क्यों नहीं करते? क्या ये मुनाफत नहीं? हम आपसे बहस नहीं करना चाहते। शाहजी, पारसा ने जो कुछ किया अनजाने में किया, माफ कर दीजिए उसे। इतने पत्थर घर क्यों बन गए आप? पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिजिटल टॉक शो आपकी फेवरेट होस्ट समीना पीरजादा के साथ, जिसमें हमारे गेस्ट हैं आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज। अभी हमारे चैनल स्पीक योर हार्ट को सब्सक्राइब कीजिए और एंजॉय करें हमारी लेटेस्ट एपिसोड्स, क्योंकि यहाँ बात होती है दिल से दिल तक। सो बी देयर। हम उनका जिक्र नहीं करना चाहते, प्लीज। आपके आगे हाथ जोड़ते, खुदा थोड़ी लचक पैदा कर लीजिए, कबूल कर ले उनके रिश्ते को प्लीज। आमना प्लीज, हमने आपसे कहा ना उनका जिक्र मत कीजिए। बेटी है वो हमारी? नहीं है वो हमारी बेटी। आप भी इस बात को तस्लीम कर लीजिए कि हमारे सिर्फ दो बच्चे। फैसले में कोई ना कोई मसलियत होती। तुम शाहजी की बेटी हो सर, मेरी बेटी नहीं हो। 9 महीने कोख में रखे औरत
तकलीफ बर्दाश्त करे औरत, जन्म देते हुए मौत से गुजरे औरत, और दुनिया में आते ही फैसला सुनाए मर्द। क्या हुआ वर्षा? अच्छे वक्त का इंतजार कर रहा हूँ, और क्या? कैसे जिएंगे हम? वर्षा, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक वक्त तो खाना खा लेते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का भरोसा नहीं होता कि फिर दोबारा उनको खाना मिलेगा भी या नहीं। मैं आप पे पूरा ट्रस्ट करती हूँ, मगर वर्षान अपने इर्द गिर्द देखे, हम कहाँ से कहाँ आ गए। अगर कल रात से कंपेयर करें तो बेहतर हाल में ना। सच पूछो तो मैं तो उम्मीद हार गया, फिर अल्लाह ने राह दिखाई। वो शख्स जिसे मिले हुए 2-3 साल गुजर गए हैं, अचानक से मेरे सामने आ गई, जैसे कोई नेकी पलट कर आ गई। मैं दिल से ये मायूसी और अफसोस निकाल दूं, मुझे यकीन है कि एक दिन हमारे पेरेंट्स हमें एक्सेप्ट कर लेंगे। तब तक के लिए सफर थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मन से दूर नहीं, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ कौन आ सकता है? यासीन का होगा, मैं देखता हूँ। सना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब से मैं यहीं रहूंगी। क्या मतलब तुम यहाँ इस तरह क्यों? अरे अंदर तो आने दो, सब बता दो। कैसी हो तुम पारसा? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। मैं ठीक हूँ जनाब, मगर देखो सीधी सी बात है, मुझसे नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए मैं भी यहाँ आ गई। कैसी नाइंसाफी? यही जो खाला ने तुम लोगों के साथ की, घर से निकाल कर। सच पूछो तो मुझे बहुत बुरा लगा। देखो अम्मी का गुस्सा वक्ती है, चंद दिनों में खत्म हो जाएगा। मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए इस तरह। तुम लोग नहीं चाहते मैं यहाँ रुकूं? नहीं जनाब, ऐसी कोई बात नहीं है। मसला ये है कि हमारा अपना कोई ठिकाना नहीं है, बस कुछ दिनों के लिए आप ठहरे हुए हैं। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे। हाँ जनाब, बिना वजह तुम्हें तकलीफ होगी। जब तुम दोनों तकलीफ में रह सकते हो तो मैं क्यों नहीं रह सकती? देखो मैं तुम दोनों की क्लोज फ्रेंड हूँ, और खाला ही कहती हैं कि वजदान को जरनाब से ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता। तुम लोग मुझे अपनी मदद नहीं करने दोगे, और मैं जानती हूँ कि इस वक्त तुम लोगों को मेरी बहुत ज़रूरत है, और ख़ासकर पारसा, है ना पारसा? जरनाब, मगर इस घर में तो कोई एक्स्ट्रा रूम भी नहीं है, तुम कहाँ सोगी? कोई बात नहीं, जहाँ तुम दोनों सो गए वहीं मैं भी सो जाऊंगी। अब मेरा मतलब है मैं इस सोफे पे सो जाऊं, ठीक है?
बिलाल तुम यहाँ? क्यों, मैं नहीं आ सकता? अब नहीं, अब ऐसी बात नहीं है, मेरा कहने का मतलब था कि बताकर आ जाते। बता के सरप्राइज थोड़ी दिए जाते हैं भाभी, पारसा कहाँ है? पारसा वो इस वक्त, हाँ अब वो तो अभी घर पर नहीं है। असल में वो हम दोनों की फोन पे बात नहीं हो पा रही थी, तो मैंने सोचा मिलने आ जाऊं। ये पारसा के लिए लाया हूं मैं, आप प्लीज उसको दे देगी। चलता हूं भाभी। अब अरे बैठो, मैं अम्मी को बुलाकर लाती हूँ। नहीं फिर कभी, बस गिफ्ट देने आया था मैं, और पारसा से कहेगा कि मुझे कॉल कर ले वरना मुझे अच्छा ही लगेगा। थैंक यू। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिजिटल टॉक शो आपकी फेवरेट होस्ट समीना पीरजादा के साथ, जिसमें हमारे गेस्ट हैं आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज। अभी हमारे चैनल स्पीक योर हार्ट को सब्सक्राइब कीजिए और एंजॉय करें हमारी लेटेस्ट एपिसोड्स, क्योंकि यहां बात होती है दिल से दिल तक। सो बी देयर। कैसे रहूंगी मैं यहाँ? वश्तान और पारसा को साथ देखकर खून खौलने लगता है मेरा। खैर जो भी है, मुझे अपने मकसद से मतलब। उफ कैसी मनहूस जगह है, यहाँ तो आइडियाज भी नहीं आ रहे। भूख लगी है, पहले कुछ खा लिया जाए। अगर इस घर में खाने को ही कुछ ना हो तो चल संडा शुरू हो जा। पारसा, पारसा तुम्हें कितनी देर है? बस 5-10 मिनट। अच्छा ठीक है। पारसा यहाँ बिजी है और फश्तान नीचे गया हुआ है। मैं अभी किचन खाली कर देती हूँ। कैसा ये